हमारी एक कमी है क्या, हम जिस देवता की पूजा करते उस पर विश्वास कम करते। 5 दिन अगर वो हमारे मन के मुताबिक फल न दे तो हम देवी देवता बदल लेते अपना। बता, सच बोल रहा हूं मैं। एक आप जैसा ही भक्त था, वो एक महात्मा जी के पास, मेरे जैसे के पास में आया। महाराज मेरे जैसा तो मेरे जैसा? हाँ भैया। अरे महाराज बड़े संकट के बादल घिरे आए, कोई ऐसा देवता बताओ जो जल्दी प्रसन्न हो, हमारी मनोकामना पूरी करे। हमने कहा भैया सत्यनारायण की कथा, हम जैसे ने, हमने नहीं, सत्यनारायण भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, जो है उनसे जो मांगोगे सो मिल जाएगा, सत्यनारायण भगवान की पूजा करो। वो कहीं से चित्र ले आया, और सत्य पहले कच्चे मकान होते थे, है ना, तो आजकल तो बड़े बड़े मकान होते, पहले कच्चे मकान होते थे। तो एक कच्चे मकान में ठाकुर पूजा कहाँ होती थी मालूम? छोटा सा तिखाल बना लेते थे, उसमें ही रख देते थे, कोई कपड़ा मिल गया तो बिछा दिया, जो 3-4 महीने तक साफ ही नहीं करना, बस आरती ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। तुम कहाँ खड़े, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, हमारे संकट हरो, यही ना। तो ठीक है, अब यूं ओम जय जगदीश हरे रोज हो। एक हफ्ता निकल गया, परवा के संकट हरवे को काम नहीं भय पायो। फिर आया वो महाराज के पास, महाराज बोले हाँ जी, एक हफ्ता है गो महाराज, संकट यों की त्यों है, जैसे तैसे बने हुए संकट, अब क्या करना है। बोले ये देवता सुनता नहीं, कोई और देवता बताओ। तो महाराज ने कहा भैया देखो ये कलयुग है, देवता थोड़ी देर से काम करते हैं, एक काम करो, देवियों की चल रही है आजकल कलयुग में, तुम देवी पूजो, देवी पूजोगे यूं तुम्हारा काम होगा यूं। बोले महाराज जी बात तुमने सही कही, ये बात पहले बतानी। बोले अब बता दे बेटा, अब पूछ। बोले कौन सी देवी पूजूं? बोले बेटा काली देवी पूज। ऐसा क्या वैष्णो देवी फिर भी देर कर दे, तू काली देवी पूज। बोले हाँ महाराज ये ठीक है। अब वो काली देवी की चित्र ले आयो, तस्वीर ले आयो। अब काली देवी कहां धरे? मंदिर में तो जगह उतनी। अब मां नारायण बैठो, काली देवी ठाड़ी, क्या मैं आ गई बता। अब वो सोच रहे हो कि नारायण कहां करूं जाते काली यहां पहुंचे। दीवार ही दीवार, माटी की तो दीवार आती, वहां ने माटी की दीवार में चोबा ठोक दियो। चोबा, चोबा समझते हो? गोल गोल सा ऐसा लंबा पहना चोला जाता है, कुछ जाता है ऐसा, वो चोबा कील थोड़ा होते, तो गाड़ दी वो कील। और चित्र में जो तस्वीर होती है उसमें ऊपर लटकाने का सिस्टम भी होता है, तो वो वहां से नारायण उठायो और दीवार पे लटका दियो। नारायण से कहे तुम यहां रहो, और काली देवी प्रमुख जगह पे पहुंच गई। काली देवी बैठ गई मेन जगह पे, और वहां उसकी पूजा शुरू। जय अम्बे गौरी मैया जय काली देवी, और करें हम पूजा तुम इच्छा करो पूरी। ओम जय अम्बे गौरी। पूजा शुरू, एक दिन दो दिन, धूप बत्ती जला रहो, धूप बत्ती देखो आप लोग घरों में अगरबत्ती जलाते हो, मत जलाया करो, शुभ नहीं है। अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, न मंदिरों में न घरों में, ये बात हम कई बार बोल चुके, आज फिर बोल रहे हैं क्योंकि रीवा में पहली बार आए। धूप बत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, अगरबत्ती कहीं मत जलाओ। अगरबत्ती में बांस होता है, बांस जलाने के योग्य नहीं होता है, इसलिए नहीं जलाना चाहिए। हम तो विचार दे रहे हैं, आगे वही करना जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो धूप बत्ती जलाई उसने देवी मैया के आगे, देवी मैया के आगे धूप बत्ती जलाई, संयोग देखी हल्की सी हवा चल रही थी हल्की सी,
और हवा चल रही थी, वो हवा चल रही थी ऐसी कि काली मैया की धूप का धुआं दीवाल पे लटके हुए नारायण भगवान की तरफ जा रहा था। काली मैया के धूप का धुआं दीवाल पे लटके हुए नारायण भगवान के पास जा रहा था। अब भगत जी को हो गई टेंशन। भगत जी बोले, ये खुद तो हमारा भला करेंगे नहीं, पर इस काली से भी हमारा भला होने नहीं देंगे। ये चाहते ही नहीं है कि हमारा भला हो। पूछो क्यों? बोले, हमने लगाई है देवी के लिए धूप और खुद खींच रहे हैं उसे। जब ये ही खींच लेंगे तो देवी तो बिना धूप के रह जाएगी, और देवी बिना धूप के रह गई तो हमारी इच्छा पूरी क्यों करेगी। ओहो, ऐसी लीला कर रहे हैं ये देवी से भी कुछ नहीं लेने देंगे हमको। रुको रुको, अभी देखता हूं तुमको। भागा भागा गया बाके घर के मटका में, मटका चपटा, पहले सामान ऐसे रखते थे मटका में, वाप नाज में गाड़ दियो, कुमा गाड़ दियो, ऐसे होते कच्चे घरों में, ऐसे सब कच्चा मटका में। तो रुई निकाल के लाया, रुई रुई समझ गए कि कॉटन कहूं, हाँ रुई निकाल के लायो, और रुई खूब मोटी मोटी सी ले ली, और जहां नारायण भगवान की नाक से गात का झट घुसा दी, नाक में लगा दी रुई। पूछे क्यों? बोले, अब सूंघ के दिखाओ, हमारी देवी की भी सुगंधी को तुम ले जाओगे, धूप को तुम ले जाओगे, हमारी देवी रुष्ट हो जाए, तुमको भी नहीं लेने दूंगा। रुई लगा दी और झट नारायण भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। हाँ, तुम क्यों ताली बजाओगे, तुम्हें थोड़ी देर हो वरदान नारायण, और धीरे बजाओ, देखो कितने VIP तो आराम से बैठे रह गए, और धीरे। एक बात बताऊं आपको, ये मैया ना सबसे लेट आई है और ताली भी सबसे धीरे बजा रही है। अच्छा, गजब की बात, अप्रोच लंबी होगी, सबसे लेट आई है, सबसे पहले बैठी आगे, और ताली ऐसे बजा रही है जैसे आहा, जोड़ते बजाओ, नहीं तो उठवा के बगल में बैठारवा दूंगो, और जोड़ते बस। तुम मत करो, ये माताओं को थोड़ी मेहनत करने दो, लेट आई है, ब्रजवासी हैं हम लोग, ऐसे ही थोड़ा सा आनंद लेते, आपके चेहरे पे स्माइल बनी रहे। कल का समय क्या है आपको, कितने बजे आना है? मैं तो कहता हूं कल धोता से यहीं बैठ के भजन करो, घर भरवत क्या है, तुम रोज संसार के चक्कर में पड़े रहते हो। अरे ये संसार काम नहीं आएगा, ये कथा, ये भगवान, ये गोविंद, ये उसकी यादें तुम्हारा कल्याण करेंगे मेरे प्यारे। नहीं, घर वालों के लिए जो ना आए उनके लिए नाश्ता वास्ता बना के रखा ना, नहीं तो यहाँ कथा के बाद, कथा तक तो ठीक है, कथा के बाद वहीं जाना है तुम्हें, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी घर का काम करके आप लोग कल, और कल जो कथा सुनेंगे जिनसे एक आध दिन मिस हो गई है उन्हें सातों दिन कथा सुनने का लाभ मिल जाएगा, तो कल आप पूर्णतः बड़े मन से, जो आसपास और भी सुन रहे वो सब भी आ जाए। तो कहाँ थे हम? नारायण भगवान बोले, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। अब्बू देखे नारायण मांग, भगवान बोले वरदान मांगो, फिर देवी मांग देखे, भगवान बोले देवी को क्यों देख रहे हो, वरदान मांगो, हम प्रकट हो गए। भगत जी बोले, मैं यही तो सोच रहा हूं कि आप प्रकट कैसे हो गए। भगत जी बोले, मैं यही तो सोच रहा हूं आप प्रकट कैसे हुए, मुझे तो देवी प्रकट करनी थी, ये देवा प्रकट कहां से हो गया। अरे भगवान बोले, अब हम प्रकट हो गए, वरदान मांगो, बिना वरदान दिए जाएंगे नहीं। बोले महाराज, वरदान तो दे देना, पर मेरा संशय मिटाओ पहले तो। बोले क्या? बोले एक हफ्ता तक लगा रहा खूब धूप बत्ती, अगर वो धूप बत्ती दीपक जलाए, भोग लगाए, बतासे खवाए, चिनोरी खवाई तुम्हें, कबू कबू एक आध किसमिस को भोग लगायो, तब तो तुम प्रकट नहीं भाई, और जब अब तुम्हारी नाक में रुई लगा दई तो अब प्रकट है गए। रीजन कहा है, कारण कहा है? भगवान बोले, बहुत प्यारा सा रीजन है प्यारे। क्या? बोले देख, जब तक तू मेरी पूजा करता रहा
तब तक तूने भगवान नहीं, सिर्फ मुझे तस्वीर समझा, सिर्फ चित्र समझा, कभी तूने मुझे भगवान समझा ही नहीं। हमेशा तो चित्र समझता था और सोचता था कि चित्र प्रकट क्यों नहीं हो रहा, अब चित्र थोड़ी प्रकट होता है। आज पहली बार तुझे लगा कि भगवान मेरी इस धूप के धुएं को, सुगंधी को ले रहे हैं, आज पहली बार तेरे मन में यह भाव आया कि भगवान है। आज पहली बार तेरे मन में यह भाव आया कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जब पहली बार यह भाव आया कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं तेरे पहले ही भाव पर प्रकट हो गया, ले तेरा भगवान तेरे सामने प्रकट हो गया, मांग जो तुझे चाहिए, बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।